पठारी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रभारियों के साथ पधारे नव नियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कटारे का किया गया जगह जगह स्वागत। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिदसा जिले के पठारी क्षेत्र में आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के आह्वान पर आज पठारी और उदयपुर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण प्रभारी दीप चंद यादव, पूर्व महापौर भोपाल सह प्रभारी अमित शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त अध्यक्ष राकेश कटारे, संगठन प्रभारी मोहित रघुवंशी, ब्लॉक प्रभारी संतोष पटेल, NSUI जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, सेवा दल जिला अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में नागरिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस प्रभारी दीप चंद यादव ने कहा कि पठारी के अंदर, पठारी के लोगों के अंदर, पठारी के उस जमाने के लोगों के अंदर, पठारी के इस जमाने के लोगों में और पठारी के आने वाली पीढ़ियों के अंदर वो जज्बा है जो हिंदुस्तान को एक रखता है। जिस तरह हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में पठारी का योगदान रहा, ठाकुर साहब वगैरह वगैरह ने बहुत योगदान दिया, मैं समझता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कटारे ने कहा कि कांग्रेस की एकता कुरवाय विधानसभा सहित पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जीत का परचम लहराएगी। लोगों में ताकत है, जोश है, उत्साह है, जिस ताकत के साथ लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों का स्वागत करा और हम 2-3 घंटे लेट हैं सारे सब लोग, उसके बाद आपकी जो ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदे मातरम। इस अवसर पर सह प्रभारी अमित शर्मा ने कहा कि गुटबाजी नहीं चलेगी, जिसको गुटबाजी करना है वह पार्टी से बाहर हो जाए। बिदसा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जी, आप जानते हैं ये पठारी की वो भर्ती है, भर्ती के लोग